नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और आइए रुख करेंगे आज की खबरों की ओर। विधायक जिला अधिकारी ने किया कोटरा पुल का निरीक्षण। जालौन कस्बा कोटरा में जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने पुल का निरीक्षण किया। वहीं इस पुल का पूर्व विधायक विनोद चतुर्वेदी के द्वारा 2011 से पुल का शिलान्यास किया गया था और आज पुल बनकर तैयार हुआ। पुल के बन जाने से कस्बा कोटरा से झांसी गुड़सराय मऊरानीपुर चिरगांव एवं अन्य जगह तक की दूरी का कम समय में पूर्ण होगी और जालौन झांसी की एकमात्र सीमा अब सुविधा तय होगी। इस दौरान सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने जनता की मांगों को देखते हुए सालों से एक ही मांग को ध्यान में रखते हुए 50 बेड का अस्पताल बनवाने की घोषणा की है, जिससे नगरवासी काफी प्रसन्न हुए। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने नगर पंचायत कोटरा में जाकर निरीक्षण किया। सबसे पहले राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाकर पूछताछ की एवं 45 वर्ष के व्यक्तियों को कोरोना के टीकाकरण लगवाने की सलाह दी। मौजूद नगर पंचायत अध्यक्ष आसाराम अग्रवाल आदि सासी और सभी से कहा कि पूरे कस्बे को सभी अवगत कराएं कि 45 वर्ष के लोगों को टीकाकरण करवाएं एवं नगर पंचायत के लोगों के साथ मिलकर प्रचार प्रसार करके पूरे कस्बे में अवगत कराएं। तत्पश्चात जिलाधिकारी जैव विधिवता पार्क का निरीक्षण करते हुए आदेश दिए कि पर्यावरण का खासा ख्याल रखा जाए और पेड़ पौधे और अधिक मात्रा में लगाए जाएं, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। शुरुआत में जैव विविधता पार्क में कोई भी पेड़ पौधे ना होने पर जिलाधिकारी ने कहा कि खासकर पेड़ पौधों और सुंदर फूल लगाए जाएं जिससे खूबसूरती बनी रहे। जालौन उत्तर प्रदेश से बलवीर पाल की रिपोर्ट। सभी लोग जो है यहाँ पर अगर किसी को कोई लक्षण हो तो दवा की जरूरत हो तो मिल रही है। आशा बहन जी आई थी आपके गांव में? फासला बनाए रखते हैं।